आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना बरेली क्षेत्र के गांव कुरगवा में गुरुवार की सुबह गैस हॉकर के घर के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग में एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है। वहीं जिस कमरे में आग लगी उस कमरे में छोटे बड़े 39 सिलेंडर खाली रखे हुए थे। आग से युवक और एक बच्चा भी झुलस गया है। साथ ही सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगरा जिले की तहसील अदमातपुर के थाना बरहन क्षेत्र के गांव कुरगवा निवासी एवज सिंह पुत्र सुजान सिंह पचोखरा इंडियन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी का हॉकर है। वो कुरगवा सहित आसपास के गांव में गैस वितरण का कार्य करता है। गुरुवार सुबह एवज सिंह के घर के बाहर बने कमरे में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देख कर घर में भगदड़ मच गई, जिसमें एक बच्चा मामूली रूप से झुलस गया और एक व्यक्ति के बाल झुलस गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कमरे में रखी एक मोटरसाइकिल भी जल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कमरे में 28 बड़े घरेलू सिलेंडर 11 छोटे सिलेंडर रखे हुए थे। बताया गया है कि उनमें से एक सिलेंडर भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग की चपेट में 2 दर्जन गैस सिलेंडर आ गए। सूचना मिलने पर थाना बरहन पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं अवर सिंह ने बताया कि वो पचोखरा ग्रामीण गैस एजेंसी का गैस वितरक है। वो लॉकडाउन के चलते प्रतिदिन गैस सिलेंडर पहुंचाने गैस एजेंसी नहीं जा रहा है। खाली सिलेंडर एक साथ एकत्रित होने पर गैस एजेंसी की बड़ी गाड़ी गांव आती थी। गाड़ी गांव से खाली सिलेंडर लेकर चली जाती थी। बताया जा रहा है कि एसडीएम इसकी जांच करा रही हैं। जांच होने के बाद ही कार्रवाई होगी। अदमातपुर से सी न्यूज के लिए आजाद की रिपोर्ट।